Hello friends, welcome. Today we are going to discuss dots and the pixels. तो dots and pixels क्या होते हैं ये हम already पढ़ चुके हैं, but आज हम इनकी detail study करेंगे कि dots क्या होते हैं. देखिए, जब भी हमें कोई भी image हमारे PC monitor पे display होती है तो वो हमारे dots के pattern से मिलके बनती है, कि बहुत सारे dots जो होंगे और उनका एक pattern बनेगा और उससे हमें जो है image जो है वो monitor पे display होगी. उसी तरह से photographs जैसे हमारे newspaper पे हमें display होंगी तो वो भी हमारा pattern ही है, dots का pattern से ही हमें इमेज डिस्प्ले हो रही है. तो ये जो डॉट्स हम कह रहे हैं, तो डॉट्स जो है वो शेडेड, लाइटर और डार्कर. देखिए, उनमें जो शेड है वो लाइट भी हो सकती है, डार्कर भी हो सकती है, और जिससे क्या होता है कि हमारी आइज़ जो है वो विजुअल इमेज जो है फॉर्म करती हैं. ठीक है, सो ये जो CRT है वो कुछ डॉट्स जो हैं वो क्रिएट करता है फ्रॉम द फॉस्फर से. ठीक है, फॉस्फर से जो डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं हमारी स्क्रीन के बैक में यूजिंग मास्किंग मेथड. कुछ मास्किंग मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि जो डॉट्स हैं उनको आइसोलेट किया जा सके और उनको इल्यूमिनेट किया जा सके बाय द इलेक्ट्रॉन गन. तो जो हमने मोनोक्रोम और सिंगल मॉनिटर कलर वाला मॉनिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर वाले जो मॉनिटर्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फर होता है, वो एक ही कलर का होता है. तो जब भी फॉस्फर डॉट्स जो हैं वो इल्यूमिनेट होते हैं तो जो भी हमें टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज दिखती है वो सिंगल कलर में दिखती है बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्टिंग. सो इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगी तो डिस्प्ले जो होने वाला कलर है वो या तो ग्रीन या एम्बर या वाइट होगा. सो जो इमेज हमें कलर मॉनिटर्स में डिस्प्ले होती है वो क्या होती है, इल्यूमिनेटेड होती है. मतलब स्मॉल ट्राइंगल्स होते हैं, फॉस्फर डॉट्स जो होते हैं जिसे हम स्मॉल ट्राइंगल्स के अंदर फॉस्फर डॉट्स होते हैं जिसे हम पिक्चर एलिमेंट्स या पिक्सल्स कहते हैं. तो CRT में हमने स्टडी किया था कि 1/3 ऑफ डॉट्स जो है वो रेड डॉट है, एक डॉट जो होगा उनमें वो ग्रीन डॉट होगा और एक जो डॉट होगा वो ब्लू डॉट होगा. और इन सभी डिफरेंट जो कलर डॉट्स हैं वो खुद जब इंटरपर्स्ड होंगे तो हमें स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई देती है या एक पिक्सल जो है वो फॉर्मेशन होगा. सो इस तरह से जो डॉट है हर एक कलर का वो ग्रुप किया जाता है और एक डॉट बनता है जो हमें एक ट्राइंगल या फिर एक पिक्सल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा या डिस्प्ले होता है. तो जो कलर CRTs थे उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो यूज़ करते हैं हम लाइट अप, मतलब लाइट अप करेगा वो फॉस्फरस को इन ईच पिक्सल. और ये भी जो भी कॉम्बिनेशन या जो भी इंटेंसिटी से इल्यूमिनेशन होती है फॉस्फरस में तो वो डिफाइन करती है कि किस तरह की इमेज हमारी स्क्रीन पे प्रोड्यूस होगी. तो जो इलेक्ट्रॉन गन्स हमें ओवर द पिक्सल जो भी फ्रॉम साइड टू साइड जो भी इलेक्ट्रॉन गन्स जो हैं वन रो एट अ टाइम जो है वो हमें डिस्प्ले कर रही हैं अगर पिक्सल्स को साइड बाय साइड, या किस तरह से वो रिफ्रेश कर रही हैं इमेज को, डिस्प्ले होने वाली इमेज को क्रिएट करना इमेज को. सो इस तरह से ये जो हमारी LCD डिस्प्लेज हैं वो दो तरह की हैं, जिसमें पैसिव मैट्रिक्स और द एक्टिव मैट्रिक्स. तो जो पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले होती हैं उनके अंदर जो लेयर होती है LCD एलिमेंट्स की वो ग्रिड और मैट्रिक्स ऑफ वायर से बनी होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं उन वायर के इंटरसेक्शन से तो जो डायोड्स और जो पिक्सल्स होते हैं वो लाइट अप होंगे. और जो पैसिव मैट्रिक्स होती है वो रिफ्रेश होती है, रिफ्रेश करती है डिस्प्ले को जब हम करंट अप्लाई करते हैं टू द पिक्सल्स एट फिक्स्ड रिफ्रेश रेट पे. अगर हम जब रिफ्रेश रेट पे जो है करंट को पास करते हैं तो वहाँ पे पिक्सल्स जो है वो इल्यूमिनेट होंगे. एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले जो है वो कंट्रोल करती है हर एक LCD एलिमेंट और डायोड को इंडिविजुअली. ठीक है, विद वन और मोर ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली जो रिफ्रेश करते हैं हर एक एलिमेंट को. बट यहाँ पे जो रिफ्रेशिंग रेट होता है पैसिव के अंदर वो एक जब हम करंट पास करते हैं उसी टाइम पे जो है वो रिफ्रेशिंग फिक्स्ड रिफ्रेश रेट में ही हमारा जो रिफ्रेश होता है हमारी डिस्प्ले. बट एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले में हमारी इंडिविजुअली हर टाइम कॉन्टिन्यूसली जो हमारा रिफ्रेश होगा हर एक एलिमेंट जो भी हमारा डिस्प्ले में हमें डिस्प्ले हो रहा है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट this type of videos, so please subscribe and thank you.